क्या चल रहा है, जो राणा प्रताप ने गौ रक्षा के लिए जीवन खपाया, गौ की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी, वीर जवानों को आहूत किया, आज क्या हो रहा है? सवाल उठता है मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर गौ वंश रक्षा का कानून लाना चाहिए, और आए दिन सुप्रीम कोर्ट का नाम देने वाली दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण गौ वंश रक्षा का कानून नहीं ला रही है। भाइयों बहनों, मैं राणा प्रताप को गर्व से इसलिए याद कर रहा हूं कि मेरे गुजरात ने गौ वंश रक्षा का कानून लाया है। हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है मालूम है? मैं आपसे पढ़े लिखे नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, जरा इंटरनेट पर जाकर के स्टडी कीजिए, भारत सरकार का सपना क्या है? भारत सरकार का सपना है पिंक रिवॉल्यूशन, यानी जयपुर पिंक सिटी उस अर्थ में नहीं है, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन क्या चीज है? पहली बार शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब है ये जो मटन का कलर होता है ना, पिंक कलर का होता है ना, पशु काटते हैं तो पिंक कलर का होता है, उसका रिवॉल्यूशन करना है। भारत सरकार ने सपना संजोया है कि हिंदुस्तान के पास इतने पशु हैं, हर दिन इतने काटे जा सकते हैं, साल में इतने काटे जा सकते हैं, इतना मटन विदेश भेजा जा सकता है और इससे इतने रुपये कमाए जा सकते हैं, रुपये कमाने के लिए गाय माँ को मारने के खेल खेले जा रहे हैं दोस्तों। और तब राणा प्रताप की याद आती है दोस्तों, तब राणा प्रताप की याद आती है। पिंक रिवॉल्यूशन का उनका कार्यक्रम है, और जो इन पशुओं की कत्ल करेगा उनको भारत सरकार सब्सिडी देती है। देखिए, मैं राणा प्रताप की धरती पर बैठा हूं, आज आकर के बोल रहा हूं, और खबर ये आ रही है कि जो गाय भैंस काटेगा और विदेश मटन भेजेगा उसको सब्सिडी मिलेगी। वाह क्या सीन है। मित्रों, ये ऐसे लोग हैं, अगर कॉटन को विदेश में भेजे तो वो ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन मटन को विदेश भेजे तो सब्सिडी देते हैं। और इसलिए गांव किसान की परवाह नहीं है, किन चीजों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज अगर आप राजस्थान की तरफ से मेरे गुजरात के अंदर गाड़ियां जाएगी, आप देखिए बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं का कत्ल करके उसका मटन मुंबई के एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर भेजा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। और जब मैंने गुजरात में रोकना शुरू किया तो रेलवे से भेजना शुरू किया। भाइयों बहनों, देश को ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, देश को व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए, देश को ई गवर्नेंस का ई रिवॉल्यूशन चाहिए, देश को आईटी का रिवॉल्यूशन चाहिए। ये पिंक रिवॉल्यूशन ला करके हिंदुस्तान को किस दोजख में ले जाने का खेल चल रहा है, ये चिंता का विषय है।